हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता शर्मा। आज हम टी शर्ट का यूज़ करेंगे। आप इसमें कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं और कोई भी कलर आप इसमें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको हम बनाना। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक टी शर्ट ले ली है। इसके नीचे वाला किनारा इसको हम काट कर अलग कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और स्ट्रिप कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही 1.5 इंच के स्ट्रिप कट कर कर हम इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से कट करना है और इसको हम खींचेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपके पास ये डोरी बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने टू कलर यूज़ किए हैं, इस पर हम नॉट लगाएंगे और यहाँ से हम किसी भी पिन से इसको सेट कर लेंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से आपने इसमें नॉट लगानी है। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए कि आपने नॉट किस तरीके से लगानी है। ये देखिए, इसको और नॉट लगाएंगे। अब दूसरे कलर की नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से नॉट लगाकर इसे आप कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने नॉट लगा ली है। अब इसे हम, ये नॉट आपने लगानी है कम से कम 8 या 10 इंच तक आपने इसको बनाना है। उसके बाद आपने इस नॉट को यहाँ पर छोड़ देना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपने जॉइंट लगाना है तो किस तरीके से जॉइंट लगाना है, ये देखिए। आप कट लगाएंगे, दूसरे में भी कट लगाएंगे, ऐसे ही एक डोरी इसके अंदर करेंगे और इसके बीच में से निकालेंगे और यहाँ पर ये हमारी नॉट लग चुकी है। ऐसे आप जोड़ लगा सकते हैं। अब ये देखिए, आपने नीचे से इसको इस तरीके से लेना है और इसको, ये देखिए, अब नीचे से लेंगे और इसके बीच में से यहाँ से हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे नॉट लगाया। फिर हमने एक और बार नॉट लगानी है इसी कलर से ही। डबल नॉट लगाई है ये हमने, ये देखिए। अब हम दूसरा कलर लेंगे, इसको भी हम नीचे से ले रहे हैं और इसको आपने, आप ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। अगर नीचे से लेंगे तो आप नीचे से करते जाएंगे और ऊपर से लेंगे तो ऊपर से इसको नॉट लगाएंगे। ये देखिए, इसको अब हम नीचे कर देंगे और ये आपने यहाँ पर नॉट लगानी है। ये देखिए, एक सिंगल नॉट लगाई, अब हमने इसी से ही डबल नॉट लगानी है। ये देखिए, फिर नॉट लगाएंगे, दूसरा कलर लेंगे। ये देखिए, आप इसे हाथों से आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई आपको सिलाई का यूज़ नहीं करना, क्रोशिए का कोई यूज़ नहीं करना, इसमें आपने सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए, फिर नॉट लगाएंगे, जो भी कलर लेंगे उसमें आपने डबल नॉट लगानी है। ये देखिए, ऐसे करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने सेकेंड रो को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर हम थर्ड राउंड करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट राउंड वो नॉट लगाई थी, इसे हम अंदर की साइड में कर देंगे, नीचे की तरफ में। ये देखिए, डबल नॉट लगाई है हमने यहाँ पर। अब देखिए, इस नॉट को हम अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसे नीचे कर देंगे और ऐसे ही नॉट लगाएंगे। अगर आपको कहीं पर लगता है डबल नॉट या ट्रिपल नॉट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप लगा सकते हैं। आपने इसको ना ज़्यादा खींचना है, ना ही ज़्यादा आपने इसको लूज़ रखना है। ये देखिए, ये देखिए, दूसरी डोरी जो है वो मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ हर बार, तो ऐसे ही आप नीचे की तरफ भी इसको डोरी को रख सकते हैं। ये देखिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, राउंड करेंगे, राउंड से आपने अपने यहाँ पर आप नॉट लगाएंगे। सेम ऐसे ही डबल नॉट लगाते जाएंगे आप। तब
तब अब राउंड में घुमाते हैं। अगर आपको ट्रिपल नॉट भी लगानी पड़े तो आप उसमें लगा लें, गैप ज़्यादा हो तो आप उसमें नॉट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर ये लेना है और इसे नॉट लगाना है आपने। ये देखिए राउंड बन चुका है यहाँ पर। इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लगाया है। अब जॉइंट ऐसे ही लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था, कट कर कर दूसरी स्टेप लगाएंगे और यहाँ पर हम जॉइंट लगाना शुरू करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर हमने लगा लिया है। अब ग्रीन कलर को हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। ये देखिए इसको आपने इस तरीके से ऐसे ही घुमाना है, नॉट लगाएंगे। देखिए राउंड में आप नॉट लगाते जाएंगे। जहाँ भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे आप कलर चेंज करेंगे। जैसे आप एक होल बनाएंगे और इसी के अंदर से डोरी निकालेंगे, नॉट लग जाएगी। आप सिलना चाहते हैं तो सिल सकते हैं, वैसे ये सबसे इजी है। तब आप गोलाई में आप इसे नॉट लगाएंगे तो आपने खींचना बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा खींचना नहीं है ना ही ज़्यादा आपने लूज़ रखना है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक गोलाई सी टोकरी जैसी बननी शुरू हो जाएगी, तो ये ना बने। इसलिए आपने बिल्कुल आराम से आपने इसको करना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है आपने इसको। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स। ये वॉशेबल है, आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसे यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए दूसरे धागे को हम अंदर की साइड में कर देंगे और इस यहाँ पर भी, ये देखिए इसको हमने इस तरीके से अंदर ही सेट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए दोनों साइड से आप, ऐसे ही सिंगल कलर से नॉट लगाते जाएंगे। यहाँ से अब नॉट लगाते हुए इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन और ब्लैक कलर लगा दिया है। अब आप यहाँ पर सिंगल कलर में आप पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पिन आप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको पिन से भी बना सकते हैं। ये देखिए इसके बीच में से लेंगे। ये देखिए यहाँ पर दो धागे आपको दिखाई देंगे, उसमें से आपने लेना, सिंगल आपने नहीं लेना। अगर आप सिंगल लेंगे तो ये देखिए यहाँ से लूज़ हो जाएगा, इसलिए आपने ये और एक ये वाला लेना है और इसके बीच में से ऐसे निकाल देना है। ऐसे करते हुए इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में इसको फिनिश करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए ऐसे कट करेंगे और एक होल में से इसको ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे, डबल नॉट लगाएंगे, फिर एक बार फिर ले लेंगे नीचे से और फिर नॉट लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये पक्का हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब इसे हम कट कर सकते हैं। अब आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और साइड में आप ये इस तरीके से लटकन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है, कौन कौन से कलर कहाँ पर मुझे सेट करने हैं ऐसे मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब मैं इसमें से एक एक लेती जाऊँगी और ये देखिए डबल कर कर इस तरीके से ये डबल किया
एक हॉल में से निकाला और अब इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे और ये नॉट यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।